वखुलिकल इंसान वाइफा, और इंसान को तो अल्लाह ने कमजोर पैदा किया। ये हकीकत बात है, इंसान के पास सिर्फ एक चीज है जो उसको सब पे भारी कर देती, वो अक्ल है। बाकी हमारी जितनी कैपेबिलिटीज है ना, वो जानवरों से बहुत कम है। हाथी जो है ना, वो जमीन पे पांव मार के ना 40 किलोमीटर दूर तक ना कम्युनिकेशन कर लेता है दूसरे हाथी के साथ, 40 किलोमीटर। कुत्ते की सूंघने की हिसाब देख लें, उकाब कितने किलोमीटर ऊपर से अपना शिकार नीचे देख लेता है। तो आप जानवरों को जरा कंसिडर करना शुरू करें, बंदा परेशान हो जाता है। तो जानवरों को आप किसी भी जानवर की अगर खूबियां गिननी शुरू करें तो बंदा हैरान रह जाता है। अच्छा, ये जानवर भी तो बीमार होते हैं, इनको भी जख्म होते हैं, ठीक हो जाते हैं। और कपड़े अल्लाह ने ऐसे दिए हैं उनको कि बदलने की भी जरूरत नहीं है। हमें तो कपड़े धोने पड़ते हैं, नए पहनने पड़ते हैं। अल्लाह ने पर दिए हैं, वो खुद ब खुद टूटते हैं, नए उगते हैं। सफाई वाला मामला भी उनका होता रहता है, उनको कोई नलाता दुलाता नहीं है। तो आप एक एक अगर जानवरों की क्वालिटी देखें तो इंसान तो आपको नजर आएगा कि वाकई ये जो अल्लाह ने फरमाया खुलिकल इंसान दईफा, इतना इतना कमजोर है इंसान कि आप इंसान के बच्चे को टेबल पर रख देना, वो नीचे गिर जाएगा। लेकिन आप बिल्ली का छोटा सा बच्चा भी टेबल पर रखें, वो नीचे नहीं गिरेगा। उसकी जबिल्लत में अल्लाह ने डाल दिया। ये जो मुर्गियों के छोटे छोटे चूजे जब निकलते हैं अंडे से, किस स्कूल में जाते हैं वो दाना चुगना सीखने के लिए, पानी पीने के लिए। और जब चील आती है तो वो अपने मां के परों के नीचे आते हैं, उनको किसने ये सारी चीजें सिखा दी है? ये अल्लाह ताला ने उनकी जबिल्लत में, इंस्टिंक्ट में सारी खूबियां डाल दी है। और इंसान को सिर्फ एक चीज है, वो अक्ल, जिसकी वजह से उसने सबको काबू किया हुआ है। अदरवाइज इंसान की अपनी जो कैपेबिलिटीज है ना, वो जानवरों के मुकाबले पे बहुत कम है। इंसान बहुत कमजोर है, जानवरों से डर जाता है। लेकिन अकल देखें आप, कि अकल की वजह से इतने बड़े बड़े हाथी शेर इनका शिकार कर लेता है। अगर उनके पास भी वही अकल हो तो जमीन पे इंसानों को ना जिंदा रहने दें। हाँ जी जनाब, बस वो आप एक ईदे कुर्बान पे सिर्फ एक ही बैल जबा करें, कि बाकी बैल फिर आपको जबा करें, उनके सामने जबा हो रहे होते हैं।